पशु हमर मित्र छै, ओ हमर धन भी छै, दान दै के वस्तु भी छै। धन के सुरक्षा हम जे चाह से करै छियै, हमरा अपन पशु के सुरक्षा भी वह चाह से करे के चाहिए। कियाकि ई निमोहा धन होइ छै, ई बोल नहीं सकै छै, पर हमरा तोरा सन समझे ई जरूर छै। सुख दुख एकरो दोस्त छै, ई हमर माता के समान छै, हमरा एकर पूजा करे के चाहिए। ई हमरा दूध दै छै, गोबर दै छै, गोबर हमरा लिए बहुत उपयोगी होइ छै, एहिके लिए हमरा एकर बहुत ध्यान दै के चाहिए, एकर रख रखाव पर भी विशेष ध्यान दै के चाहिए। दीदी संजय भैया आ रहलखिन गाय माल के सुरक्षा बतबै के लिए, चलिए ने सिखबै ने की, चलिए टाइम भए गेलै, चलिए ने जाइ छियै दीदी। अब हम चलै छियै लगमा गांव के तरफ, जे चौथम प्रखंड में छै, और वहाँ के कुछ दीदी से मिलै छियै, देखै छियै वहाँ हमर पशु के की हाल चाल छै। दीदी हम तो अपने के बीच आ गेलियै, और अपने सब यहाँ बैठल छियै कोई विशेष बात की? बरसात के दिन आबै छै भैया, गाय माल के दिक्कत छै, वह चिंता में बैठल छियै। दीदी अपने अभी सोच रहलियै माल जाल के बारे में ना? हाँ। बरसात के मौसम छे दीदी, जरूर बीमारी ई समय में होइ छे, लेकिन एक चीज छे, एक कहावत छे दीदी, समय से पहले चेते किसान, रखे साफ सफाई का ध्यान। ई कहावत के माने की भेले भैया? अपने जे हम ई कहावत कहलो, एकर माने बुझलिए, एकर माने ई भेले कि माल जाल बीमार नहीं पड़े, ओकरा लिए अगर हम माल जाल के स्वस्थ रखिए, हृष्ट पुष्ट रखिए, तो और बढ़िया, बुझलिए ना भैया। हम अपना माल जाल के केना रखबे सुरक्षित? जी दीदी अपने के हम तुरंत बतबै छो, बहुत अच्छा सवाल अपने के किया दीदी। हमर माल जाल सुरक्षित रहे, एकर पहला उपाय हमर बथान साफ सुथरा हुए, बुझलिए दीदी। हमर माल जाल जहाँ भी रखिए, या माल जाल हमर जहाँ भी रहे, वो रहे के स्थान थोड़ा फैलगर हुए के चाहिए, सकरा जगह नहीं होके चाहिए, बुझलिए ना। यह ध्यान देना ओकरा पर बहुत जरूरी छे, वहाँ हवा आवे, सूर्य के रोशनी भी हमरा बथान पर आवे। दीदी जहाँ पर माल के खाए वाला नाद होइ छे ना, नाद के अगल बगल में या नाद के नीचा में कादो पानी कीचड़ जमे के लिए नहीं दे के चाहिए। दीदी हमरा अपना माल जाल के भी अपने तरह साफ पानी साफ बर्तन में पिलवे के चाहिए। भैया सुरक्षा के लिए और उपाय छे कोनो दोसर? दीदी हमर माल जाल सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, एकर दोसर उपाय छे कि अपना माल जाल के हम संतुलित आहार देवे। संतुलित आहार दीदी वहन भोजन के कहल जाए छे, जे भोजन में बीमारी से लड़े के पशु में ताकत बने छे। संतुलित भोजन में दीदी हम सब माल जाल के खल्ली चुन्नी दाना हरा चारा सूखल चारा दे छे। दीदी रोज दिन कम से कम तनिक ओकरा नीमक जरूर देना चाहिए, नीमक ओकरा रोज दिन तनि तनि दे के चाहिए जरूर। दीदी और उपाय जी अपने कहलिए बहुत अच्छा कहलिए, और उपाय में दीदी हमर माल जाल के बथान जहाँ भी हुए साफ सफाई करला के बाद दीदी समय समय पर ओकरा पर फिनाइल तेल के छिड़काव कर दे के चाहिए। छिड़काव कर दिला से दीदी छे ना ओकरा में जीवाणु विषाणु जरा से रोग फैले छे उ नहीं फैलते। भैया गाय माल के साफ सफाई का को उपाय छे? हाँ दीदी अपन माल जाल के अपन मवेशी के रोज नहवैये, रगड़ रगड़ के नहाय साफ करिए, साफ करवाइये ओकरा नहाइये। दीदी हमर माल जाल स्वस्थ रहे, बढ़िया रहे, एकर और उपाय छे। दीदी हमर माल जाल भी जे होइ छे,
हमरा तरह ही हमरा से प्यार के भूखा होइ छे, इसलिए दीदी ओकरा एकदम बढ़िया से लार प्यार करना चाहिए, रोज तन शरीर के सालना चाहिए, दुलार करना चाहिए ओकरा दीदी, रोज हम ओकरा घुमाबे चाहिए। दीदी इतना बात जो हम बतेलो अपने के ई बात के ध्यान में रह करके, यानी कि अपन बाथान के माल जाल के साफ सफाई पर ध्यान दे करके, अगर अपने ई सब माल जाल के पोसिए देख रेख करबे न तो दीदी हमर माल जाल कहियो बीमार नहीं पड़ते, हमर माल जाल स्वस्थ रहते, ओकरा में कोई तरह की बीमारी जल्दी नहीं फैलते। पिछला साल यही अभाव से हमर माल जाल मर गए भैया, आब उ सब के ध्यान हम रखबे।